मुझे प्रमोशन चाहिए, आई वॉन्ट टू बी प्रमोटेड, आई वॉन्ट प्रमोशन। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं पोटेंशियल की। आपके पास किस लेवल का पोटेंशियल होना चाहिए? आज आपका लेवल यहां है। आप कहेंगे इस लेवल पर जितनी पोटेंशियल लगती है उतनी पोटेंशियल मेरे पास है, इस लेवल पर जितना ज्ञान लगता है, जितना नॉलेज जरूरी है, इस लेवल पर जितनी स्किल चाहिए सारी की सारी मेरे पास है। आई एम सॉरी, मेरे पास इस लेवल की स्किल है लेकिन मुझे ये लेवल छोड़ना है और मुझे हायर लेवल में जाना है। यदि मुझे हायर लेवल में जाना है तो मेरे पास हायर लेवल की स्किल होनी चाहिए। मैनेजमेंट आपको प्रमोट करके आपके नॉलेज और आपके स्किल के साथ रिस्क क्यों ले? इसलिए यदि आपको प्रमोशन चाहिए तो अपने लेवल का नॉलेज, अपने लेवल की कार्य कुशलता, अपने लेवल की स्किल 100% होनी चाहिए। उसके साथ साथ करीब करीब 75% हायर लेवल का नॉलेज और हायर लेवल की स्किल भी चाहिए। फिर मैनेजमेंट कितना रिस्क लेगी? 25%। आप प्रमोशन के लिए तभी काबिल होते हैं जब आपके पास हायर लेवल का नॉलेज और हायर लेवल की स्किल हो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास हायर लेवल का एटीट्यूड, हायर लेवल की मानसिकता ऑलरेडी है। चलिए अब आगे चलते हैं और पोटेंशियल बढ़ाने की बात करते हैं। जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं और पूछता हूं कि आपको प्रमोशन क्यों मिलना चाहिए, तो स्टॉक आंसर होता है, सर इस लेवल पे काम करते करते 5 साल हो गए, इस लेवल पर काम करते करते 7 साल हो गए, इस लेवल पर काम करते करते 10 साल हो गए, मेरे पास 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है। फिर मैं 3 प्रश्न पूछता हूं, आपसे भी 3 प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न पहला, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि एक्सपीरियंस से आपने पूरा का पूरा नॉलेज सीखा? क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि एक्सपीरियंस ने आपको पूरा का पूरा सिखाया? मुश्किल है। दूसरा प्रश्न, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि एक्सपीरियंस से आपने सही चीज सीखी? मुश्किल है। तीसरा प्रश्न, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि आपने एक्सपीरियंस से वक्त पर सीखा? अगेन मुश्किल है। तीनों प्रश्न की एक गहराई है। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू गिव मी गारंटी दैट एक्सपीरियंस टॉट यू कंप्लीट? क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू गिव मी गारंटी दैट एक्सपीरियंस टॉट यू ट्रुथ? एंड क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू गिव मी गारंटी दैट एक्सपीरियंस टॉट यू इन टाइम? आंसर सर, सर्टेनली इन नो। नाउ नेचुरली हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं लेकिन गारंटी नहीं है कि पूरा सीखा, गारंटी नहीं है कि सच सीखा और गारंटी नहीं है कि समय पर सीखा। इसका अर्थ है सीखने का, पोटेंशियल बढ़ाने का कोई और तरीका भी होगा और वो तरीका है लर्निंग बाय प्लानिंग। मैं मानता हूं कि हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं लेकिन एक्सपीरियंस से जो भी सीखा उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए लर्निंग की प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है ताकि एक्सपीरियंस जो मैं सीखूं उसको कंप्लीट कर सकूं, उसकी सच्चाई साबित कर सकूं और समय पर सीख सकूं।
हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस प्लस लर्निंग बाय प्लानिंग। मैं एक्सपीरियंस से सीखूंगा और मैं योजना बना करके भी सीखूंगा। मेरा एक्सपीरियंस है 90% इंप्लॉइज सोचते हैं कि एक्सपीरियंस विल टीच, एंड इसके लिए वे कभी भी सीखने के लिए कोई भी योजना नहीं बनाते। कभी कभी लोग जवाब देते हैं कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है क्योंकि कंपनी ने मुझे ट्रेनिंग में नहीं भेजा। अरे भाई, कंपनी में कोई काम हो रहा है, कंपनी में कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है, कंपनी में नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो आप कंपनी आपको ट्रेनिंग में भेजे उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? खुद एक स्टेप आगे क्यों नहीं बढ़ाते और सीखने की योजना क्यों नहीं बनाते? नेक्स्ट कड़ी में फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते।